तो हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब पे आपका स्वागत है। ऑटो रिक्शा ज्ञान ये मेरा चैनल है। आप सभी को ऑटो रिक्शा के बारे में ही जानकारी मिलेंगी। बहुत सारे वीडियो मैंने डाल चुका हूँ और अभी फ़िलहाल एक नया वीडियो जो आया है वो मेरे आपके लिए बनाया हुआ, तो वो है गाड़ी के ब्रेक। तो गाड़ी टू स्ट्रोक हो या फोर स्ट्रोक हो, सभी को ब्रेक बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। जब गाड़ी चलाते समय ब्रेक लगनी चाहिए। जब आप गाड़ी चलाते हो, ढलान हो या गर्दी हो या हाईवे पर हो या आपके सामने स्पीड ब्रेकर आए, कुछ भी आ जाए, तो आप जल्दी से ही आप ब्रेक मार देते हो तो ब्रेक नहीं लगता है कभी कभी। तो वो क्या प्रॉब्लम होता है वो आपको देखने का है। आपके गाड़ी के ब्रेक लाइनर गए या ब्रेक किट गया जो गाड़ी को गाड़ी रोकने के लिए मदद करता है। जब अभी ऑटो रिक्शा वाले तो उसको हाइड्रोलिक ऑयल सिस्टम से ब्रेक होते हैं, तो आप सभी जानते हैं। तो चलो, ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रियर व्हील जो अपने ऑटो रिक्शा के बैक साइड से देख लीजिए, कोई ऑयल लीकेज का जो प्रॉब्लम है या नहीं। उसके बाद दूसरा है, व्हील खोलने के बाद ही पता चलेंगे लाइनर ख़राब हुए या ब्रेक किट गया हुआ है। तो दोस्तों, फटाफट, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं फटाफट खोल के आपको दिखा देता हूँ। और वीडियो की जानकारी देने के लिए आपको समझ लीजिए क्या लाइनर गए या ब्रेक किट, वो दोनों भी आप खोलने के बाद ही पता चलेगा, जिससे आपको वीडियो पूरी तरह अच्छी तरह समझ जाए। और आगे ये जो डायग्राम है आप देख लीजिए किस तरह आपने को फिटिंग करने की है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो पूरा ब्रेक ऑयल ड्रम के अंदर और लाइनर के ऊपर आ चुका है, तो इसका मतलब अपने ब्रेक किट और लाइनर बदलने। तो फटाफट, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं दोस्तों, लाइनर खुलते वक्त जो उसका लॉक है, स्प्रिंग है, जो भी चीज़ें छोटी, तो वो अच्छे से संभाल के रखना है, क्योंकि वो खो जाने पर दोबारा आपको ख़रीद लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसको अच्छे से एक जगह सेफ रख दीजिए, जिससे वो खो ना जाए, वो आपको और दिक्कत ना हो। तो ये खुलने के बाद उसको अच्छे सूखे कपड़े से पोंछ लेना चाहिए, जिसे ऑयल जो है वापस ड्रम और जो भी किट है उसको पोंछ लेने के बाद ही आपको आगे का काम करना चाहिए। आप चाहो तो पानी से भी धो सकते हैं, तो क्योंकि वो ऐसे आप ऑयल का जो प्रॉब्लम है वही ऑयल लीकेज का, जिससे ब्रेक नहीं लगते हैं। तो आपको पहली तरह देख लीजिए, तो ये दूसरे लाइनर लाए, कम से कम 250 का लाइनर की जोड़ी है। आप ओरिजिनली डाले, डुप्लीकेट ना डाले, जिससे आपके ब्रेक मारने में कोई दिक्कत ना हो या फिर ड्रम में अच्छी तरह से फिट ना हो, क्योंकि डुप्लीकेट ड्रम और लाइनर के वजह से भी ब्रेक कभी कभार नहीं लगते और आपको प्रॉब्लम होता है। इसलिए अच्छे ओरिजिनल बजाज कंपनी के जो भी स्पेयर पार्ट की दुकान से वही लेना है। फ़िलहाल तो ये ब्रेक किट का सिलेंडर वो खोल लिया है और उसे साफ़ करके नया जो किट है वो डालना है। वक्त ज़्यादा ना हो, ये देखो सब धीरे धीरे खोल के उसे सूखे कपड़े से पोंछ लेने के बाद ही फिटिंग करना चाहिए। तो दोस्तों, इसे कैसा ये देख लीजिए, खोलना और फिटिंग करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप भी कर सकते। थोड़ा सा सब्र रखना है और अच्छे से देख लेना है कि ये काम कैसे करना है। कभी कभार ये चीज़ें अपने को भी खुद करना चाहिए, जिससे आपको आगे जाके आप भी ये काम लाइनर बिठाने का कर सकते जा। तो फिलहाल ये ब्रेक किट और का जो फिटिंग का काम चालू है दोस्तों, आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ चीज़ ऐसी होती है, ऑटो रिक्शा में तीन पहिया है और तीनों ब्रेक अच्छे से वर्क करते, तो बहुत से ऑटो ड्राइवर क्या करते हैं, उनको खुद का लॉजिक लगाते हैं और आगे का जो ऑयल ब्रेक ऑयल का पाइप है निकाल के रख देते हैं, जिससे क्या होता है, खाली ऑटो रिक्शा के दो ही जो पीछे के रेयर व्हील के ब्रेक लगते हैं। और उससे भी और एक प्रॉब्लम ऐसा होता है, कभी कभार आप ज़्यादा हाई स्पीड में हो, 40-50 से भी ज़्यादा, और अर्जेंट से एक ब्रेक मार देते हो, तो कभी कभी एक व्हील चिपक, व्हील का ब्रेक लगता है और एक व्हील का नहीं, तो उससे गाड़ी आपकी पलटी हो सकती है, यानी उसका एक्सीडेंट हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसा ना करें, तीनों व्हील का ब्रेक लाइनर और ब्रेक पाइप अच्छे से वर्क करने के लिए आपको बराबर उसमें ध्यान देना चाहिए। मैंने एक मेन जो ब्रेक सिलेंडर किट का जो एक वीडियो बना है आगे वाला, जो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, ये मेरा फ़िलहाल दूसरा वीडियो है। दोस्तों, आप अच्छे से वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, तो ही आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। ऑटो चलाना तो बहुत से ऑटो खाली चलाते, बाकी उनको कुछ उस चीज़ की मालूम नहीं रहती, गाड़ी चलाते समय कितनी की स्पीड में कितना ब्रेक मारना है, एक पेंडल दो पेंडल, घबरा के वो ज़्यादा ही ज़ोर से ब्रेक मारने के बाद भी, या भी छोटे छोटे बच्चे ब्रेक पैंडल जोर से दबा दे ओके, उसका ब्रेक किट ख़राब हो जाता है। ऐसे बहुत से कारण है जिससे ब्रेक लाइनर ख़राब होती है, ब्रेक किट होता है।
चलो दोस्तों, फिलहाल तो वीडियो को देखते हैं। वीडियो में जो ब्रेक किट का काम चालू है, ब्रेक लाइनर, वो धीरे धीरे काम ख़त्म होने पे आ रहा है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। ये जो काम है वो तो होते रहेंगे, वीडियो तो बनते रहेंगे, अपडेट मिलते रहेंगे। इसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अच्छे से वीडियो आपके लिए मैं डाल सकूँ। और कुछ होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। ऑटो रिक्शा ज्ञान में आपको ऑटो रिक्शा के बहुत से वीडियो मिलने वाले हैं दोस्तों। तो चलो, मैं हूँ अनिल बागुल, आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा, वीडियो देखते रहना। ये मेरा दोस्त है फिटर इमरान, वो भी हम दोनों साथ में ही बैठे रहते हैं गैरेज में। जो भी एक ऑटो आए कंपनी की बजट से, कोई और भी आते कंपनी के ऑटो, तो काम करके देते। और बहुत से लोगों को समझ में आता कि ब्रेक लाइनर गई है, ब्रेक किट। दोस्तों, एक ऐसी चीज़ें रहती है काम करते वक्त आदमियों को, ऑटो चालक ज़्यादा ध्यान देते नहीं और उसके वजह से गाड़ियों का नुकसान होता है। तो ये ना करें और टाइम पे टाइम अपना मेंटेनेंस रखें गाड़ियों का, जिससे आपकी गाड़ी ज़्यादा लंबे तक चले और आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये देखो, ड्रम ऑयल है तो उसको पूछ ले, जो भी आपके पास कपड़ा अच्छे से सूखा हुआ, जिससे ऑयल पूरी तरह निकल जाए और ब्रेक लगने में उसको आसानी हो। तो अब फिलहाल ड्रम बिठाने के बाद व्हील फिटिंग हो जाएगा और आज का जो वीडियो यही ख़त्म हो जाएगा। तो फिलहाल आपको ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर लाइक करना दोस्तों, क्योंकि इसकी वजह से हमको मोटिवेशन। ये दूसरा डायग्राम देख लीजिए, आपको चाहिए तो ये भी आप, मैंने रखा आपके लिए खास, स्क्रीनशॉट लिया तो भी चल सकता है दोस्तों, आगे जाके आपको काम आ जाए। तो दोस्तों, आप पीछे से एयर निकाल लेने चाहिए ऑयल ब्रेक का, जिससे ब्रेक ऑयल और ब्रेक अच्छे से काम करे। तो वीडियो पूरी तरह अभी ख़त्म हो चुका है और अभी गाड़ी भी रेडी हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, अपडेट मिलते रहेंगे नोटिफिकेशन।